समझने लगा था कि शायद मैंने हो ही ना, मैं नहीं हूं, मैं नहीं। जब से ये असेंबली शुरू हुई है, जब से मैंने हाथ उठाया, आपने एक दफा भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या कैरेक्टर कैरेक्टर क्या है आपका, कि आप किसको बोलने देते हैं और क्या तरीकाकार होगा। शायद आपके पास मेहनत करनी पड़ती है, आपके पास या डिप्टी स्पीकर साहब के पास या हमारे चीफ साहब के पास। आप माशाल्लाह पहले तो आए हैं और पहली दफा मैं नहीं आया हूँ, मैं 85 में भी यहाँ एज ए मेंबर रहा हूँ। एंड आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग, आई डोंट नो कि क्या आपका मकसद, हम हमें क्यों आप इग्नोर करते हैं। मेरा जो हम पंजाब में होते हुए हमारे से जो जुल्म होता है, हम पंजाब में होते हुए जाके बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लास्ट डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे सीट का मसला हो, चाहे दिस इज द शूदर क्लास में हम बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, दिस इज द शूदर क्लास सीट। शायद आपको इधर इधर तक आपकी शायद नींद की नजर नहीं पड़ती होगी। मैं बिल्कुल थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी बड़े लेवल पे असेंबली के अंदर डिबेट हुई और तमाम हाउस को बोलने दिया गया है, और अभी भी हम चलाएंगे, सबको बोलने देंगे, लेकिन 341 मेंबर है, किसी का नंबर पहले आ जाता है, किसी के बाद में आ जाता है, पर सबको प्लीज कंटिन्यू। जनाब स्पीकर साहब, तकरीबन एक महीना पहले मैं आपके पास आया था, मैंने 6 राशि अपने गाँव में उठाई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। आपने वादा किया था कि आप मुझे बोलने देंगे, आपने बोलने नहीं दिया। मेरा वाले सूबे महाज का चेयरमैन है, सूबे महाज के ऊपर यहाँ बात हुई, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। पानी के ऊपर मैंने बोलना चाहा, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। अब हम क्या करें, किसके पास जाएं? मैं बजट के मुतालिक आपसे, मैं कोई बजट का कोई पता नहीं है हमारी तरफ। वो कहते हैं जिसको नमाज नहीं आती, कुछ नहीं आती, वो कहते हैं मुल्ला के पीछे अल्लाह हू अकबर। हमने वो बजट की उम्र, वो जो हमारे वजीर साहब कहेंगे वो अल्लाह अकबर कहेंगे, लेकिन कभी हमें पता नहीं है कि उसने क्या किया। अगर वो अच्छा हुआ तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, अगर बुरा हुआ उनके साथ हम भी गालियां खाएंगे। सही बात है, मैं जहाँ हमने देखा हुआ है तमाशा लगा हुआ है, हमें तो कोई बोलने नहीं देता। जहाँ से उधर वालों को चोर कहा जाता है, उधर वाले इधर वालों को चोर कहते हैं। कोई डिसेंट स्पीच या क्या नहीं हुई। बजट स्पीच में मैंने बहुत कम आदमी देखे हैं जिन्होंने बजट के ऊपर जिन्होंने बड़े मुस्बत अंदाज से तकरीरें की, लेकिन जिन्होंने की उनको मुबारक हो। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे 2-4 मसाइल हैं हमारे मेरे हल्के के, बिकॉज लास्ट तहसील और लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जो कुछ भी अगर वो खराज में कुछ खराज बढ़ने लगती है, जब तक हमारे पास आती है वो खत्म हो जाती है। जिस वक्त हम इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, मेरे सिर्फ दो स्लोगन थे कि मैं अपने इलाके में अमन दूंगा और पानी दूंगा। इलाके में अभी तक अमन आया और ना पानी आया, बिके हुए अमन है नहीं। तीन दिन पहले तीन आदमी किडनैप हुए और एक साल से वहां तमाशा चल रहा है। हमारे इलाके में पुलिस ऑपरेशन के नाम पे मार खाया जा रहा है। वहां महीना पहले 6 आदमी दिन दहाड़े मारे गए हैं, 6 आदमी। अभी तक एक मुल्जिम भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उनके माँ बहन, वो हमारे माँ बहन है, वो मेरे घर आते हैं, वो कहते हैं आप बोलते क्यों नहीं हो। अब हम तो क्या कह के हमें तू बोलने देता ही नहीं, ये हमारी पोजीशन है। उधर वहां हर रोज डकैती, चोरी, रैंसम, जिससे भी बात करो बस तसल्लियां देते, होता कुछ भी नहीं है। ये हमारी लॉ एंड सिचुएशन की सिचुएशन है हमारी तहसील में। जहां तक पानी का मसला है, हम लास्ट तहसील रुझान लास्ट तहसील है, 300 किलोमीटर से 300 पास से पानी हमारा आता है और रास्ते
چوری ہوتے ہوتے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اور لوگ ہمارے سے ابھی پوچھتے ہیں کہ صوبے میں بھی آپ ہیں، مرکز میں بھی آپ ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہمیں آپ پانی دیتے؟ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کو کیا جواب دیں. پھر ہمارے سے پوچھتے ہیں آپ اسمبلی میں کیوں نہیں بولتے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ گھومے ہیں، ہم ان کو کیا بتائیں کہ ہمیں بولنے کوئی نہیں دیتا. میں نے تھوڑا بہت بجٹ میں دیکھا ہے، تھوڑا بہت بجٹ میں دیکھا ہے. ریلوے کے متعلق میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو حلقہ ہے سندھ، ایک سائڈ پہ سندھ ہے، ایک سائڈ پہ بلوچستان ہے. جب سندھ سے ٹرین نکلتی ہے پورے میرے حلقے میں 6 ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں ٹرین بھی کھڑی ہوتی ہے. وہ آگے آگے جا کے 100 کلومیٹر آگے جا کے کھڑی ہوتی ہے، اور میں نے جا کے ڈی ایس صاحب سے پوچھا ہمیں کیوں نہیں کھڑی ہوتی، کہتے جی یہ ہمیں فیزیبل نہیں ہے. وہ بھائی یہاں سے گزرتی ہے، فیزیبل کیسے نہیں ہے، اسٹیشن بھی بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کیا عملہ چوری کرتا ہے تو اس پہ ہمیں آپ کیوں، ہمارے عوام کو کیوں آپ مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ ایز فار ایز ایجوکیشن کا، ایجوکیشن منسٹر صاحب سے کہوں گا، بڑا میں نے دیکھا ہے وہ اتنے آئے ہوئے ہیں، فنڈز آئے ہوئے ہیں، اور اتنے بار ملکوں کے لیے وظیفے آئے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں تو کسی کو نہیں ملتا. پتہ نہیں کس کو ملتا ہے، شاید بیوروکریٹس کے بچوں کو ملتا ہو یا کسی اور کو ملتا ہو. اگر اس میں رکھا گیا ہے نیکسٹ ٹائم ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ کیا کرائٹیریا پر رکھا گیا ہے ان کے لیے فنڈنگ کے لیے، اور جن جن کو دیا جائے تو ان کے نام آنے چاہیے کہ کون ہے، کس علاقے کے ہیں، اور ان کوالیفیکیشن کیا ہے. آخر میں آپ سے، آپ کا مہربانی، آپ نے ہمیں یہاں ٹائم دیا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر ہمارے چھوٹے موٹے مسئلے ہوں تو ٹھیک ہے. اور دوسرا صوبے کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں آپ صوبہ نہیں بنا دے سکتے تو ہمارا 80% بلوچی اسپیکنگ ہے جی، ہمارا علاقہ، تو ہمیں اگر بلوچستان میں ڈال دیں کم سے کم اسی کے نام پہ ہمیں کوئی پانی تو مل جائے گا. ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں پانی نہیں ملتا، شاید بلوچستان کے نام پہ ہمیں مل جائے. تھینک یو ویری مچ.